हेलो, मेरा नाम है चंद्र हास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्कर अवार्ड 2020 के जितने भी पुरस्कार मिले हैं, किसको मिले हैं, कौन सी मूवीज़ से वो रिलेटेड हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में। साथ ही साथ ये अवार्ड से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड से तो आप परिचित ही होंगे। पूरी दुनिया में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड इसे माना जाता है। तो इसके पहले कि हम कुछ कहानी देख लें, शुरुआत की बेसिक चीज़ें, जैसे इसका ऑफिशियल नेम क्या है, इसका ऑफिशियल नेम ऑस्कर अवार्ड नहीं है, इसको द एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। ऑस्कर इसका नाम कहाँ से पड़ा किसी को नहीं पता, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। और बहुत सारी कहानियाँ मतलब इसके अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। कोई कहता है कि जब पहली बार इसको दिया जा रहा था तो जो इस जो बाहर गेस्ट लोग आ रहे थे, किसी ने देख करके कहा कि ये तो मेरे अंकल ऑस्कर की तरह लग रहे हैं, इसको देख करके मतलब अवार्ड के पे जो चेहरा था। तो ऐसी बहुत सारी इसकी कहानियां हैं। एग्जैक्टली क्या इसका है नहीं पता, लेकिन ऑस्कर अवार्ड के नाम से ये फेमस हैं अवार्ड। ओके, और लेकिन इनका ऑफिशियल नेम एकेडमी अवार्ड्स है। ये किस लिए दिए जाते हैं? फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट्स इन फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट्स को पहचानने के लिए या फिर दिखाने के लिए कौन सी साल भर की सबसे अच्छी मूवीज रही हर एक क्षेत्र में। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवार्ड एनुअली दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ओके, इसको शॉर्ट में AMPAS भी कहते हैं। ओके, तो इनके द्वारा ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। इस अवार्ड को ओरिजिनली स्कल्प्ट किया था जॉर्ज स्टैनली ने, और जो डिज़ाइन स्केच थी वो थी सेड्रिक गिबन्स की। ओके, ये जो डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो डिज़ाइन है ये एक नाइट का डिज़ाइन है। ओके, नाइट जैसे अपनी तलवार लेकर के खड़ा होता है, उस तरह का कुछ ये डिज़ाइन है। ये आर्ट डेको स्टाइल में डिज़ाइन ये है, ये अवार्ड इसको डिज़ाइन किया गया है। जो पहला एकेडमी अवार्ड था वो 1929 में दिया गया था, एक प्राइवेट डाइनर में जो कि डगलस फेयरबैंक्स ने होस्ट किया था, हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में। ओके, ये पहला था जो कि बहुत कह सकते हैं छोटे स्तर पर था। उसके बाद से फिर धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 1930 में पहली बार रेडियो पे इसका ब्रॉडकास्ट हुआ था इस अवार्ड का। और अगर हम बात करें इस बार की तो ये 92वां एकेडमी अवार्ड था, 92nd, इसको भी आप याद रखिएगा। अब ये जो सेरेमनी हुई कहाँ पे हुई, तो ये सेरेमनी 9 फरवरी 2020 को हुई डॉल्बी थिएटर में, जो कि कहाँ पे है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया USA में। ओके, और ये 18वीं बार लगातार जो है ये सेरेमनी यहीं पर आयोजित हुई है, इसी डॉल्बी थिएटर में। ओके, अब यहाँ पे जो अवार्ड दिए गए हैं वो 2019 की बेस्ट फिल्म्स के लिए अवार्ड दिए गए हैं। ओके, तो ये इसकी एक बेसिक सी डिटेल है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। बाकी अब हम चलते हैं अवार्ड्स के ऊपर, कौन सी कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है। तो हम सबसे पहले आते हैं बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए किसको अवार्ड दिया गया है, तो ये मिला है अवार्ड ब्रैड पिट को। और ब्रैड पिट को एक्टिंग के क्षेत्र में मिलने वाला पहला अवार्ड है। जैसा कि आपको यहाँ पे पता होगा, इनको इस किस मूवी के लिए मिला है, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, ये जो मूवी है इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला हुआ है। इसमें इनके साथ कौन थे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लिनार्डियो डिकैप्रियो, जिनको जो इन्हीं की तरह ब्रैड पिट की तरह ही पहले इनको भी कहा जाता था, लिनार्डियो डिकैप्रियो को भी, कि मतलब इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी इनको ऑस्कर नहीं मिला था, लेकिन फिलहाल इनको मिल चुका है। इसी तरह ब्रैड पिट के साथ भी यही कहानी थी कि बहुत बड़ा इनका करियर है, बहुत नाम है, लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब ये भी ऑस्कर अवार्डी हो चुके हैं। अगला अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, लॉरा डर्न को। किसके लिए, मैरिज स्टोरी। ओके, मैरिज स्टोरी बेस्ट फिल्म के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, नेटफ्लिक्स की ये फिल्म है, इसके सपोर्टिंग रोल के लिए इनको मिला हुआ है बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अवार्ड किसे मिला है, तो ये हैं रेने ज़ेलवेगर, जिनको जूडी मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है। आपको एक्ट्रेस जो भी मतलब यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस है उनका नाम याद रखना है, साथ में कौन सी मूवी से रिलेटेड हैं इसको भी आपको याद रखना होगा, पूछा जा सकता है। ओके, तो जूडी मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में मिला हुआ है ऑस्कर। और अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए पुरस्कार किसको मिला है, तो ये हैं वॉकिन फिनिक्स। वॉकिन फिनिक्स को यह अवार्ड मिला है इस साल, जो पिछले साल की बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी थी जोकर, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, तो ये अवार्ड मिला है इस बार टॉय स्टोरी 4 को। ओके,
नेक्स्ट अवार्ड है एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए, वो फीचर फिल्म थी एनिमेटेड, ये शॉर्ट फिल्म है, तो ये मिला हुआ है हेयर लव को, ओके ये मूवी का नाम है जिसको अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है बेस्ट पिक्चर, तो ये है पैरासाइट, ये जो अवार्ड है बेस्ट पिक्चर का, यहाँ पे इसके प्रोड्यूसर हैं क्वाक सिने बोंग जुन हो, इसके डायरेक्टर हैं, ये हैं डायरेक्टर और ये हैं इसके प्रोड्यूसर पैरासाइट मूवी के, ओके। और पैरासाइट मूवी ने इस साल सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, ये भी पैरासाइट को ही मिला है, क्योंकि पैरासाइट साउथ कोरिया की मूवी है, तो इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी जीता, ये एक अलग कैटेगरी है, इसमें जो नॉमिनेशन होता है वो हॉलीवुड से बाहर की मूवीज़ के लिए होता है, तो पैरासाइट उसमें फिट होती है और इसको ही अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है इसमें सारी मूवीज़ आती हैं, हर एक जो कैटेगरीज़ की मूवी हैं, तो उसमें भी पैरासाइट ने ही अवार्ड जीता है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा दोनों में। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया बोंग जून हो को, ओके इन्होंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, किस मूवी के लिए, पैरासाइट मूवी के लिए। पैरासाइट मूवी काफ़ी वैसे अच्छी मूवी है, अगर आपने देखी नहीं हो तो देख सकते हैं इसको। और अगला अवार्ड है बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले का, तो ये अवार्ड मिला है टाइका वाईटीटी को, किस मूवी के लिए, जोजो रैबिट, ओके इनको एडाप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, और पिछला जो था वो क्या था, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत छोटे छोटे से हैं, आपको याद रखना है वरना आप क्रॉस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर का, तो ये भी पैरासाइट मूवी के जो डायरेक्टर है बोंग जून हो उनको दिया गया है, ओके। अगला अवार्ड है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, याद रखिएगा ओरिजिनल सॉन्ग की बात हो रही है, तो ये सॉन्ग है आई एम गोना लव मी अगेन, ये सॉन्ग रॉकेट मैन मूवी का है, इसके लिए अवार्ड दिया गया बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड। कौन है इस सॉन्ग से रिलेटेड, तो ये हैं एल्टन जॉन और बर्नी टॉपिन, ओके यहाँ पे आप दोनों को देख सकते हैं। अगला अवार्ड है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का, ये स्कोर की बात हो रही है, ओके ये जोकर मूवी के लिए दिया गया है, ये दिया गया है किसको, हिल्डर गुडनाडोटर, इनको ये मिला है जोकर मूवी के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का। अगला अवार्ड है बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स का, तो ये मिला हुआ है 1917, ये जो वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर बेस्ड मूवी है वो काफ़ी बहुत ही अच्छी मूवी मैं कह सकता हूँ ये है, इसको मिला है विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए, विजुअल इफ़ेक्ट्स तो इसमें शानदार हैं ही। ये तीन लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, गैल्यूम रोचिरन, ग्रेग बटलर और डोमिनिक टोही, इन तीनों लोगों को बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए 1917 को ये अवार्ड दिया गया है। अगला यहाँ पे अवार्ड है बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए, तो ये दिया गया है फोर्ड वर्सेस फरारी, ये मूवी का नाम है, इसको बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड दिया गया है, माइकल मैकेस्क एंड एंड्रयू बकलैंड, इन दोनों लोगों को ये अवार्ड मिला है। अगला यहाँ पे कैटेगरी है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का, जो कि रॉजर डाइकिंस को मिला हुआ है, और इसकी सिनेमेटोग्राफी की वजह से ही ये मूवी जो 1917 है ये काफ़ी फेमस हुई है, ओके क्योंकि इसको कहा जा रहा है वन शॉट मूवी या फिर वन टेक मूवी इसको कहा जा रहा है, मतलब ओरिजिनली में ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप मूवी को देखेंगे तो आपको कभी लगेगा नहीं कि इसमें कहीं भी बीच में ब्रेक हुआ है, शुरुआत के पहले सेकंड से लेकर के मूवी ख़त्म होने तक आपको लगेगा कि कैमरा लगातार चलता ही जा रहा है, कहीं भी कोई कट नहीं है, इस तरह से इसको फिल्माया गया है, तो काफ़ी मेहनत का भी काम था, इसीलिए रॉजर डाइकिंस को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का। अगला यहाँ पे है, यहाँ पे अब कुछ जो मिक्स कैटेगरीज़ यहाँ पे आती हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, जैसे मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए बॉम्ब शेल जो है उसके को अवार्ड दिया गया है, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 1917 को अवार्ड दिया गया, और बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए फोर्ड वर्सेस फरारी को दिया गया है, मतलब साउंड मिक्सिंग का आएगा तो 1917, साउंड एडिटिंग का आएगा तो फोर्ड वर्सेस फरारी। नेक्स्ट यहाँ पे है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फीचर, तो इसके लिए अवार्ड दिया गया लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन वॉर जोन इफ़ यू आर गर्ल, इसको मिला हुआ है शॉर्ट फीचर का, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड दिया गया है अमेरिकन फैक्ट्री को, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन दिया गया है जैकलिन डूरैन को लिटिल वुमेन के लिए, ओके यहाँ पे अगला है कि बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये मिला हुआ है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, ओके क्विंटिन टेरेंटिनो की ये फिल्म है अगर आपको पता हो, इसको मिला हुआ ये अवार्ड, और लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए द नेबर्स विंडो, इसको दिया गया है अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड्स थे जिसमें यहाँ पे आपको इसमें जित अवार्ड थे जो इस तरह के यहाँ पे मैंने फीचर किए हुए हैं आपको पिक्चर के साथ, ये सब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं
जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मूवी के साथ। ओके, तो आपको याद रखना है। अगर इसमें बात करें कि कौन सी मूवी को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, तो पैरासाइट जो मूवी है इसको सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड मिले हैं। 1917 जैसे है तो इसको 3 अवार्ड मिले हैं। जोकर को 2 अवार्ड मिले हैं। फोर्ड वर्सेस फरारी को 2 अवार्ड मिला हुआ है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो इस पैरासाइट मूवी को मिला हुआ है अवार्ड। तो ये ऑस्कर से रिलेटेड वीडियो था। मुझे उम्मीद है आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर के सवाल तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे बैंक का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, यहाँ से सवाल अब पूछा जाएगा ही जाएगा। तो अच्छे से इसको आप देख लीजिए, और इसको इसीलिए अलग वीडियो मैंने बनाया ताकि कभी आपको रिविज़न करना हो तो आप सिर्फ इस एक वीडियो का ही रिविज़न करें और आपको हर एक चीज़ पता चल जाए। ओके, और आपको यहाँ से ये भी पता है क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आपको अगर इस तरह के वीडियोस चाहिए या फिर आप करंट अफेयर्स के वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के वीडियोस मैं रोज़ सुबह 7:30 बजे देता हूँ लाइव। आप मुझे ज्वाइन जरूर करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।